आज आप भगवान गणेश के बारे में जानिए। गणेश जी निराकार दिव्यता है जो भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। गण का अर्थ है समूह। यह पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि के भिन्न भिन्न संस्थाओं के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी हैं गणेश जी। वे ही वे सर्वोच्चम चेतना हैं। वो सर्वव्यापी हैं और इस सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने गणेश जी के सार का बहुत ही सुंदरता से गणेश स्तोत्र में वर्णन किया है। हालांकि गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन यह आकार या स्वरूप वास्तव में उस निराकार परब्रह्म रूप को प्रकट करता है। वे अज लक्षण निराकार्यम है, अर्थात गणेश जी अजन्मे हैं, निर्विकल्प बिना किसी गुण के हैं, निराकार बिना किसी आकार के हैं और वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी हैं। गणेश जी वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि का कारण है। यह वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिससे सब कुछ विलीन हो जाता है। भगवान गणेश जी की जन्म की कहानी। भगवान गणेश जी के जन्म की कहानी। हम सभी उस कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान बने। जब पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी तब उन पर थोड़ा मैल लग गया। जब उन्हें इस बात की अनुभूति हुई तब उन्होंने अपने शरीर से उस मैल को निकाल दिया और उसने उससे एक बालक बना दिया। फिर उन्होंने उस बालक को कहा कि जब तक वे स्नान कर रही हैं वह वही पहरा दे। जब शिवजी वापस लौटे तो उस बालक ने उन्हें पहचाना नहीं और उनका रास्ता रोका। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। यह देखकर पार्वती बहुत हैरान रह गई। उन्होंने शिव जी को समझाया कि वह बालक तो उनका पुत्र था और उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि वे किसी भी कीमत पे उसके प्राण बचाएं। तब भगवान शिव ने अपने सहायकों को आज्ञा दी कि वे जाएं और कहीं से भी कोई भी ऐसा मस्तक लेकर आएं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। तब शिव जी के सहायक एक हाथी का सर लेकर आए जिसे शिव जी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणेश जी की कहानी में विचार के तथ्य। पार्वती जी के शरीर पर मैल क्यों था? पार्वती प्रसन्न ऊर्जा का प्रतीक है। उनके मैले होने का अर्थ है कि कोई भी उत्सव राजसिक हो सकता है, उसमें आसक्ति हो सकती है और आपको आपके केंद्र से हिला सकती है। मैल अज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वोत्तम सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। क्या भगवान शिव जो शांति के प्रतीक हैं इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया? भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर क्यों? तो जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका इसका अर्थ हुआ कि अज्ञान जो मस्तिष्क का गुण है वह ज्ञान को नहीं पहचानता।
तब ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए। इसी बात को दर्शाता है के लिए शिव जी ने गणेश जी के सिर को काट दिया। हाथी का ही सिर क्यों? हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशाल काय सिर बुद्धि और ज्ञान का प्रसूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, ना ही वे उससे रुकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसीलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। गणेश जी के प्रतीक और उनका महत्व। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है, अर्थात घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उनका झुका हुआ हाथ जिसमें हथेली बाहर की ओर है, उसका अर्थ है अनंत दान और साथ ही आगे झुकने का निमंत्रण देना। यह प्रतीक है कि हम सब एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। गणेश जी एक दंत हैं जिसका अर्थ है एकाग्रता। वे अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं उन सबका अर्थ है। वे अपने हाथ में अंकुश लिए हुए हैं जिसका अर्थ है जागृत होना, और एक हाथ में पाश लिए हुए हैं जिसका अर्थ है नियंत्रण। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो जाती है। गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान भला क्यों एक चूहे जैसे छोटे से वाहन पर चलते हैं? क्या यह बहुत अजीब नहीं है? फिर से इसका एक गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काटकर अलग कर देता है जो हमें बांधती हैं। चूहा उस मंत्र के सामने है जो अज्ञान की अनंत परतों की पूरी तरह काट सकता है और परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है, जिससे भगवान गणेश प्रतीक हैं। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिमानी थे कि उन्होंने दिव्यता को शब्दों के बजाय इस प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदल सकते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदल सकते। तो जब भी हम उस सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए, जैसे हाथी के सिर वाले भगवान। और उसी समय यह भी याद रखें कि गणेश जी हमारे भीतर ही हैं। यही वह ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 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 गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।